ऐसी लड़की जिसका चेहरा प्लास्टिक की टोल जैसी दिखने लगा। हर वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल रहती। वो सिर्फ अपनी एक ही फीलिंग को शो कर पाती, जो था स्माइल करना। इस लड़की का नाम एरी था। एरी जब छोटी थी तो एक दिन गलती से उसके भाई ने एक फिश टैंक तोड़ दी, जिसमें एरी की फेवरेट फिश थी। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब वो मरी तो एरी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके भाई को बुरा ना लगे, लेकिन इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं होता। उस वक्त एरी के स्माइल के पीछे एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। वो रोना तो चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि मुस्कुराते रहने से हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब कई साल बीत गए। वो जब भी उदास होती और ज्यादा स्माइल करने लगती, जिसकी वजह से उसका फेस एक परमानेंट स्माइल वाली डॉल के जैसा हो गया था। उसके आसपास के लोग उसे देख के सोचते थे कि वो कितनी अच्छी लड़की है जो हमेशा मुस्कुराते रहती है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती, ना झगड़ा करती है। लेकिन अंदर ही अंदर एरी गुस्सा होती थी, लेकिन किसी को दिखता नहीं था। अब धीरे धीरे एरी बड़ी हो गई। उसका फेस किसी प्लास्टिक की डॉल के जैसा दिखने लगा, जो कि बहुत ही असमान बदलाव था। ये बात एरी तो नोटिस करती थी, लेकिन उसके आसपास के लोग नोटिस नहीं करते थे। यहाँ तक वो जब अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने गई थी तो उनसे भी पूछती है कि क्या वो बदली हुई लग रही है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर एरी बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसने दोबारा उनसे पूछा, लेकिन अब भी वो लड़कियाँ उसे कहती हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। एरी मन में ही सोचती है कि कोई और इस बात को नोटिस क्यों नहीं करता, ये सिर्फ उसी को क्यों अजीब लगता है। एक दिन जब एरी कहीं जा रही थी तो उसे रास्ते में एक मॉडलिंग एजेंसी का प्रोड्यूसर मिला। एरी उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वो एरी को कहता है कि वो उसे जापानीज आइडल बनाना चाहता है। एरी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। पहले तो वो नर्वस थी, लेकिन बाद में उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब कुछ दिनों में ही एरी फेमस हो गई थी। शहर में हर जगह उसकी बड़ी सी स्माइल के साथ उसकी फोटोज लगी हुई थी। एरी का एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हो गया था, जिसका नाम था स्माइल। सोशल मीडिया पर उसकी ही चर्चा होती रहती। टीनेजर उसके जैसे ही हेयर कट रखते। और तो और, मार्केट में एक ऐसी डिवाइस लॉन्च हो गई थी जिसे पहनकर लोग एरी के जैसी अनोखी स्माइल बनाते थे। एरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लोगों के बीच में इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी, लेकिन सेलिब्रिटी बनने के बाद एरी इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी, उसके पास वक्त ही नहीं होता था कि वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करे। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड्स इस पॉपुलैरिटी को देख के जल रही थी। वो एक दिन अपने दोस्तों को कैफे में बैठकर कॉफी पीते हुए देखती है, लेकिन उसके दोस्त उसे नहीं देख रहे थे। एरी भी अपने दोस्तों को ज्वाइन करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी एक फ्रेंड को मैसेज करती है कि क्या वो सब उसके साथ कॉफी पीने चलेंगी। तब उसकी दोस्त ने रिप्लाई दिया कि वो नहीं आ सकती, वो सब बिजी है। जबकि वो सब एरी के सामने ही बैठकर कॉफी पी रही थी। उसके बाद वो सब आपस में एरी के बारे में बातें करने लगी कि एरी अपनी स्टूपिड स्माइल की वजह से फेमस हो गई है, जबकि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। उसकी ये फालतू की स्माइल कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। ये सुनकर एरी का दिल टूट गया। वो रोना तो चाहती थी, लेकिन रोए कैसे। एरी अपने मन में ही सोचती है कि जैसे उसके साथ हुआ, उसके दोस्तों के साथ ऐसा कभी ना हो। एरी गुस्से में आकर अपनी स्माइल को अपने फेस से उखाड़ना चाहती थी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि ये स्माइल फेक है, लेकिन एरी कितनी भी कोशिश कर ले वो इसे हटा नहीं पाती। वो उस वक्त को याद करती है जब उसने पहली बार अपने दर्द को छिपाकर स्माइल करने लगी थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। तभी उसे प्रोड्यूसर का कॉल आया। उसने बताया कि उन्हें नेशनल टूर का ऑफर मिला है। ये खबर सुनने के बाद कोई भी खुशी से झूम उठेगा, लेकिन बिचारी एरी चेहरे पर फेक स्माइल लिए मन ही मन फुट फुट कर रोने लगी। नेशनल टूर पर जाने के बाद वो एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे अपनी वही फिश दिखी, जिसके बाद एरी प्रोड्यूसर को आगे जाने के लिए कहती है। फिर वो उसी फिश के पास गई और अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने लगी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी,
उसने अपनी फीलिंग्स को स्माइल के पीछे दबाए रखा, जबकि उसे अपनी फिश के डेथ पर रोना चाहिए था। वो मछली एरी को माफ कर देती है क्योंकि वो एरी के फेक स्माइल के पीछे छिपा हुआ दर्द देख सकती थी। वो उस वक्त भी उसके आंसुओं को देख रही थी जब वो मरी थी। वो मछली एरी से कहती है कि वो अपनी इस फेक स्माइल से छुटकारा पा सकती है अगर उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो अपने दर्द का सामना कर सके। जिसके बाद एरी स्टेज की तरफ आगे बढ़ी। उसके मन में यही ख्याल था कि आज वो सब कुछ खत्म कर देगी। ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन एरी चुपचाप सर झुकाए स्टेज पर खड़ी हुई थी। एरी को ऐसे शांत देखकर वो सब भी शांत हो गए। तभी एरी अपने माइक से अपने ही फेस को तोड़ने लगी। ये देख के उसके फैंस डर गए और चीखने चिल्लाने लगे। जैसे ही उसका फेस टूटा, लोगों ने देखा कि एरी का असली फेस गायब हो चुका है, जिसके बाद एरी को गार्ड्स जबरदस्ती पकड़ के अपने साथ ले गए। एरी जाते जाते अपने फैंस से कहती है कि उन्हें अपने दर्द का सामना करना होगा। उन्हें अपने दर्द से डर के भागना नहीं चाहिए, उन्हें हर हालात में सच का सामना करना चाहिए, नहीं तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी को हमेशा के लिए खो देंगे। अब 2 महीने बीत गए। एरी अपनी न्यू आइडेंटिटी को लेकर फेमस हो चुकी थी। अब भी उसके लाखों फैंस उसके न्यू लुक को कॉपी करते हैं। अब प्रोड्यूसर भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि एरी अब और ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और ज्यादा पैसे कमा रही थी, जिसकी वजह से वो सब भी फायदे में थे। अब एरी का न्यू एल्बम भी लॉन्च हो चुका था, जिसका नाम था रेज, मतलब कि गुस्सा। तो देखा आपने, एरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पर खत्म हुई। उसकी लाइफ में या तो स्माइल था या फिर गुस्सा, इसलिए अपनी लाइफ का बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। सुख दुख जिंदगी के बराबर के हिस्सेदार होते हैं, नहीं तो हमारी जिंदगी भी ऐसे ही इम्बैलेंस हो जाएगी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपने फेक फीलिंग्स का मुखौटा पहन के रखा है तो यही आपकी पहचान बन जाएगी। तो ये थी कहानी जापानी शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है द डॉल विथ एटीट्यूड। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।